गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम बात करेंगे मैथ को सॉल्व करने का बिल्कुल बेसिक तरीका, वो भी किसको, फ्रैक्शन भिन्न को। और कौन से भिन्न? दशमलव वाले। अब भिन्न है तो अगर डिवाइड करेंगे तो दशमलव में ऑब्वियसली आ ही जाता है। हम बिल्कुल बेसिक बात करेंगे और जिन्होंने ये चीज सीख रखी है वो वीडियो स्कैन करके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं। हम बात करेंगे कि भिन्न वाले पहले प्लस कैसे होते हैं, माइनस कैसे होते हैं, और उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई बड़ा छोटा आरोही क्रम अवरोही क्रम कैसे बताते हैं भिन्नों में, और अगर पॉइंट का स्क्वायर लगा हुआ है वर्ग हो रहा है तब कैसे सॉल्व करेंगे, और इधर भी बात कर लेंगे एलसीएम लेके कैसे सॉल्व किया जाता है। ये बिल्कुल बेसिक है। तो शुरू करते हैं प्लस, प्लस का या माइनस का सिर्फ सिंगल कॉन्सेप्ट वो ये कि पॉइंट के नीचे लगेगा पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट। जैसे यहाँ पे है 348, अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है। जब किसी नंबर में पॉइंट नहीं रहता तो पीछे लग जाता है पॉइंट, पॉइंट छुपा होता है, जब जरूरत पड़ती है तब उसे बाहर ले लेते हैं। और नंबर में क्या छुपा होता है भाई, सामने प्लस छुपा होता है, अपॉन में वन, पावर में वन, क्लियर है बात। ये सब जरूरत पड़ने पर हम यूज करते हैं, जब तक जरूरत नहीं है तब तक यूज नहीं होता। अब यहाँ हमें पॉइंट चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि बाकी वैल्यू पॉइंट में है, और पॉइंट से पॉइंट को प्लस करने के लिए हमें दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना होता है। तो हमारे पास इधर कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने पॉइंट करके जीरो जीरो लगा दी, अब पॉइंट हटेगा, इधर जीरो ही है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला है 36.4, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद क्या है 4 है, पॉइंट के पहले क्या है 36, फिर 0.935, 0.0473, हमने क्या किया पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाया और आंसर में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा। ठीक है, नॉर्मली प्लस जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, नॉर्मली प्लस जैसे करते हैं सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। 3 में 0 3, 7 और 5 12, 12 का 2 1, 4 4 8 4 3 12 का 2 लगा 1, 8 1 9, 9 गुना 18, 18 6 24, 4 2, 4 2 6 3 9, ठीक पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा। यहाँ कुछ सोचने की बात नहीं है, जैसे कैरी लेके प्लस करते हैं, हासिल लेके करते हैं, वैसे ही करेंगे, बस ध्यान रखेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते जाएंगे काम, ठीक है। और सेम टू सेम प्रोसेस है माइनस, जरा डिवाइड का देख लेते हैं। डिवाइड के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया होगा, यहाँ पे 2.25 डिवाइडेड बाई 0.5, ये क्वेश्चन क्यों, दोनों तरफ पॉइंट लगा हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सीखना है, जैसे छोटे पे सॉल्व कॉन्सेप्ट लगेगा और सेम प्रोसेस सॉल्यूशन का होगा बड़े क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम डिवाइड वाले को कि बना लो भाई फ्रैक्शन में, लिख लो बटे में 0.5, अब देख लो कितने डिजिट पे ऊपर पॉइंट, कितने डिजिट पे नीचे, तो ऊपर 2 डिजिट पे या नीचे 1 डिजिट पे, तो एक तो या तो ऐसे बदल भेज दो वापस एक एक डिजिट, इसे वापस पीछे कर दिया तो 22.5 आ गया और नीचे 5 आ गया, अब डिवाइड चला जाएगा, एक डिजिट पे हो गया काम हो जाएगा। या दूसरा तरीका यह है कि 2.25 अपॉन 0.5 में ऊपर देखो पॉइंट हटाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने डिजिट पे पॉइंट है, जितने अंक पे दशमलव लगा है, 1 के ऊपर उतना ही 0, 2 अंक पे है 1 2, तो 1 के साथ 2 0, और जितने से गुणा करेंगे उतने से ही भाग करना पड़ेगा, और नीचे कितने अंक पे 1 अंक पे, तो 1 0 लगाना पड़ेगा, यानी 10 से गुणा करना पड़ेगा, और 10 से नीचे किया तो 10 से ऊपर भी करेंगे। अब देखो भाई क्या बचा है, यहां 2 पॉइंट हटा 2 0 बचा 225, और ये 10 मल्टीप्लाई होके यहां क्या बना लिया 0। अब यहां से अगर हम देखें तो एक डिजिट हटा है, ये 10 गायब हो जाएगा, यहां से बचा क्या 100 और यहां 5 × 100 500, 0 से 0 कैंसिल आउट, डिवाइड कर लेंगे सेम वैल्यू। फिर अगर फ्रैक्शन पॉइंट में लाना है, अगर फ्रैक्शन में लाना है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से ऊपर काटा 5 के नीचे, 5 से नीचे काटेंगे तो कितना जाएगा भाई 10, और ऊपर 5 × 4 = 25, फिर 5 से कट गया 9/2, ये फ्रैक्शन में आ गया। अगर आपको पॉइंट में आंसर चाहिए तो पॉइंट में यहां से आंसर मिल जाएगा, 5 × 20
बचा दो, पांच पच्चीस, अब पांच बचे पच्चीस, एक 20 के बाद जब हमने 5 लिया तो 5 के पहले क्या लगा है, पॉइंट लगा हुआ है, कर लीजिए डिवाइड भाई, अगर दिक्कत है तो 22.5, 5 से 5 हो जा 22 आया, अब यह 5 आने के लिए नीचे यहाँ पहले क्या लगा है पॉइंट, तो इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, अब ये 5 उतर क्या आएगा तो कितनी बार 25, 4.5। अच्छा अगर यहाँ से हम देखें 9/2 को डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या देगा 4.5। क्लियर है बात, बिल्कुल आसान है, बस देखना यह है जितने डिजिट पे पॉइंट लगा है उतने ही 1 के साथ 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितने का मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए उतने का ही डिवाइड कर देंगे। क्लियर है बात, अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन में बड़ा छोटा कैसे बताते हैं, पहले 2 के लिए देखेंगे कि बड़ा छोटा कैसे बताते हैं, फिर 3, 4, 5 की वैल्यू अगर दी रहे और हमें आरोही क्रम अवरोही क्रम यानी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में बताना रहे तब कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखिए तो सबसे पहला काम ये कि जो भी वैल्यू आपके पास है उसका एलसीएम कर लो बराबर, आपके पास वैल्यू है 2, 1/4 और 1, 3/6। अभी ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स में है, पहले इसको सिंपल करते हैं। सिंपल करने का क्या तरीका, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई और जितना आएगा उसमें ऊपर वाले को प्लस, 4 2 8, 8 और 1 9, 9 बाई नीचे में जितना है उतना ही लिखेंगे, नीचे का नहीं बदलेगा, यहां इन दोनों का मल्टीप्लाई और जितना आएगा प्लस, 6 1 6, 6 प्लस 3 9, 9 बाई 6। देखिए बड़ा छोटा बताने के कई सारे तरीके, पहला तरीका ये कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां और इसका करो यहां, इन दोनों का किया तो 9 × 6 और इसका यहां किया तो 9 × 4, किधर की वैल्यू बढ़ी, तो जिधर की वैल्यू बढ़ी ऊपर भी उधर की ही वैल्यू बढ़ी कर देंगे, बड़ा छोटा का साइन पता है ना, जिधर मुंह खुला उसका मान बड़ा और जिधर मुंह बंद उसका मान कम। ये पहला तरीका कि क्रॉस मल्टीप्लाई तेरी अब गुणा करके दिखा देंगे, जिधर का बड़ा उधर वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि या तो आप न्यूमरेटर इक्वल कर लो या डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, या अंश को बराबर कर लो या हर को, अगर अंश बराबर है ऊपर वाला बराबर है तो नीचे जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, अंश अंश बराबर है न्यूमरेटर तो नीचे जो बड़ा होगा ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, बड़ा कौन होगा इसके पहले भी आया था। दूसरा क्या तरीका है कि हर को बराबर कर लो, जब हर को बराबर करोगे तो 6 और 4 हमने मान लिया, चलो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया और कितना एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, एलसीएम ले लो नीचे 12 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से नीचे तो 3 से ऊपर 9 × 3 = 27 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई 12 लाने के लिए कितने से गुणा 2 से नीचे तो 2 से ऊपर बैलेंस के लिए 9 × 2 = 18 और नीचे कितना आया 6 × 2 = 12। ठीक है, नीचे का बराबर हो गया, जब नीचे का बराबर है अगर हर बराबर है तो ऊपर जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, ध्यान दीजिए अगर हर बराबर है तो ऊपर जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, अगर अंश बराबर है तो नीचे जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, अंश बराबर होने पर नीचे की बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है और हर बड़ा होने पर अंश की जो बड़ी वैल्यू रहेगी वो बड़ी रहेगी। ठीक, अब 3 वाले में क्या करेंगे, 3 वाले में यही वाले कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हर को बराबर कर देते हैं या अंश को बराबर कर देते हैं, अब चाहे ये 3 फ्रैक्शन रहे एक साथ या 4 रहे 5 रहे 10 रहे कोई भी फैक्ट नहीं पड़ता, आरोही क्रम अवरोही क्रम पूछा जाता है आपसे, तो हमारे पास क्वेश्चन है 3 1/4, 2 1/3, 3 2/6। सबसे पहला काम कि सिंपल कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सिंपल करिए,
करने का क्या तरीका, इन दोनों का किया मल्टीप्लाई, जो आएगा इसको प्लस, 4 3 12 12 + 1 13। और नीचे में जो है वही लिखते हैं, 4 का 4 मल्टीप्लाई 3 2 6 6 + 1 7 7 भाई नीचे में जो है भाई 7 2 7 6 3 18 18 2 20 और नीचे में जो है भाई। अब क्या करेंगे भाई, अब तो या तो अंश बराबर कर लें या तो हर बराबर कर लें। देखिए यहाँ पे लॉजिक लगाइएगा, अगर नीचे वाली वैल्यू छोटी रहेगी तो इसका एलसीएम भी छोटा आएगा, तो इसे इक्वल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऊपर की वैल्यू में डिफरेंस ज्यादा है देखिए, तो ऊपर में इक्वल करने में हमें लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टाइम बचाना छोटा कैलकुलेशन करते हैं। 4 3 6 अगर इसका एलसीएम लो प्लस लो तो कितना आएगा 12। लेके देखना एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 12 से छोटी ऐसी कोई वैल्यू नहीं जिसमें तीनों का टेबल चला जाए, यही है तीनों का टेबल जिसमें चला जाए वही होता है उसका एलसीएम। अब हमें बनाना है सबके नीचे कितना 12। अब 12 बनाने के लिए 4 में 3 से मल्टीप्लाई, नीचे दिया तो ऊपर भी करेंगे ये ध्यान रखना है, 3 में कितने से करेंगे 4 से, 4 3 12 नीचे किया तो ऊपर भी, और 6 में कितने से 2 से करना पड़ेगा, 12 बन गया सबके नीचे 12 बन गया, 13 3 39 / 12 ये 28 / 12 40 / 12। अब हमें लिखना है इसे असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ बढ़ते क्रम, ठीक है। बढ़ते में क्या होता है भाई, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखी जाती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो आपको यहाँ सबसे छोटी वैल्यू दिख रही होगी, नीचे अगर बराबर है, हर अगर बराबर है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ऊपर की जो बड़ी वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा, जो उससे छोटा वो उससे छोटा। तो सबसे छोटी वैल्यू हमें चाहिए, नीचे का सब बराबर है तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मिलेगी, जो सबसे छोटी होगी ऊपर में, तो क्या मिलेगा सबसे छोटा 28 / 12। इससे बड़ा कौन 39 / 12, इससे बड़ा कौन 40 / 12 सॉरी 12। ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे जाते हैं तो बता लेंगे, बस कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, या तो नीचे इक्वल कर लो या तो ऊपर इक्वल कर लो, और अगर नीचे बराबर है तो ऊपर जो बड़ा है वो बड़ा होगा, और इसी का अपोजिट अगर ऊपर बराबर है तो नीचे जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। क्लियर है बात। सबसे ज्यादा मिस्टेक यहां होने का चांस रहता है जब हमारे पास कोई क्वेश्चन है पॉइंट में और उसका स्क्वायर लगा हो, जैसा कि अभी आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से सॉल्व किए जाएंगे, लेकिन अभी हम दशमलव फिर पढ़ रहे हैं तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे 0.4 है, इसका आपको स्क्वायर करना, वर्क करना, भाई क्या हो जाएगा 4 × 16 सही है, या तो ये होगा 4 × 4 = 16 1.6 पॉइंट स्क्वायर लगा है, वन डिजिट पे है, पॉइंट डबल हो जाएगा यानी 2 डिजिट पे हो जाएगा, अगर 2 डिजिट पे है तो 4 डिजिट पे हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है बात, क्या आया 2 डिजिट, ये सही है। अगर यही क्वेश्चन आपका रहता 0.02 का स्क्वायर, बता लो भाई कितने डिजिट पे पॉइंट, ये तो पहले से ही 2 डिजिट पे है, अच्छा 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, अब पॉइंट लगाएंगे 2 डिजिट का पॉइंट स्क्वायर होने पे कितने डिजिट पे जाएगा 4 डिजिट पे जाएगा, क्यों जाएगा क्योंकि 0.02 का मल्टीप्लाई 0.02 में करेंगे तो 2 ऊपर 2 नीचे, जब लास्ट में कैलकुलेशन में आंसर में जब पॉइंट लगाते हैं तो इनका टोटल सम लगाते हैं, जो 2 ऊपर 2 नीचे 4 डिजिट पे लगाएंगे, वैसे यहाँ भी कितने डिजिट पे आ जाएगा 4 डिजिट पे, अब अकेला 4 यहाँ है तो बाकी 3 डिजिट क्या ले लेंगे 0, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि बीच में यहाँ पे जितने डिजिट पे पॉइंट लगा रहेगा अगर स्क्वायर हो रहा है तो उतने ही टाइम उसका 2 टाइम हो जाएगा। अगर यही क्यूब की बात करें
अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है 0.3 की पावर में 3, तो भाई सबसे पहला काम कि 3 का या नंबर का जिसका क्यूब हो रहा है बोली थी, 3 का क्यूब क्या आएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 27। अब आपको कितने डिजिट पे पॉइंट चाहिए, तो देखो यहाँ एक डिजिट है, सिंगल डिजिट पे पॉइंट लगा है, पावर में 3 है तो 3 डिजिट पे पॉइंट जाएगा, 1, 2 और दूसरा डिजिट तीसरा नहीं क्या लगा लिया 0। अगर एक क्वेश्चन रहता 0.03 के पावर में 3 तो कितने डिजिट पे 27 कितने डिजिट पे पॉइंट लगेगा, 2 है, कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करके क्यूब करके 8 नहीं बताएंगे कि 8 डिजिट पे लगेगा, 2 3 बार, 2 + 2 + 2 = 6, 2 डिजिट हैं, बाकी 4 डिजिट क्या लग गया, 6 डिजिट पे पॉइंट लगेगा। ध्यान रखेंगे अगर क्यूब है तो 6 पे लग जाएगा 2 के गैप में, अगर स्क्वायर है और 2 का गैप है जैसे अभी हमने देखा था तो 4 डिजिट पे लगेगा। क्लियर है बात, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्रैक्शन वाले सबको आते ही होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है और कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो सिंपल कर लीजिए। सिंपल करने का क्या तरीका है, भी जो यहाँ पोल में है उसका नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 × 8 और 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 11, और नीचे का जितना है सेम टू सेम वही लिख देंगे, प्लस 3 × 6, 6 + 1 कितना 7/3, प्लस अगर माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे जैसे कि इस क्वेश्चन में लगा होगा, प्लस की जगह प्लस लगा लेंगे। आगे है 3 × 1/2, सॉरी इसको सिंपल करेंगे तो 3 × 2 = 6 + 1 = 7/3, सिंपल हो गया। सिंपल होने के बाद पहला काम प्लस और माइनस के केस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं, प्लस और माइनस के केस में पहला काम कि इनका एलसीएम इक्वल करेंगे। जब आप एलसीएम इनका निकालोगे 4 का 3 का 2 का, तो छोटा से छोटा नंबर कौन जिसमें तीनों डिवाइड चला जाए, ठीक है, 12 में 4 से भी चला जाएगा, निकाल लेना आता है ना, 4, 3, 2, 2 से। जब सबके नीचे 12 बनाना है तो यहाँ कितने से 4 में कितने से मल्टीप्लाई करो 12 बनेगा, 3 से, 3 से नीचे तो 3 से ऊपर, 3 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे 4 बनेगा, 12 बनेगा 4 से, 4 से नीचे तो 4 से ऊपर, 2 की जगह 12 बनाना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा 6 से, 6 से नीचे तो 6 से ऊपर। अब सबके नीचे क्या हो गया है भाई 12, सबके नीचे हो गया 12, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, ऊपर क्या आया 11 × 3 = 33, 7 × 4 = 28 और 7 × 6 = 40। नीचे जब सबका बराबर है, चाहे 3 बार लिखा रहे, चाहे 2 बार रहे, चाहे 10 बार लिखा रहे, नथिंग मैटर, बस एक ही बार नीचे लिखेंगे और ऊपर की सारी वैल्यू को प्लस लगा है तो प्लस लगा लेंगे और माइनस लगा रहेगा तो माइनस लगा लेंगे। ऊपर सबको ऐड कर दिया, जितना आया ऊपर और नीचे ये रहा। जब एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये वाली लाइनें गायब हो जाएंगी, आप सीधे यहां पहुंचोगे जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तब, ठीक है। सेम टू सेम माइनस वाला, जहां जहां प्लस है, अगर मान लिया यहां भी माइनस या यहां प्लस यहां माइनस, तो यहां प्लस और यहां क्या बन जाएगा माइनस, यहां क्या बन गया माइनस, इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस हटा देंगे, बाकी सेम तरीका रहेगा चाहे प्लस का हो चाहे माइनस। यहाँ बस हमें समझना है डिवाइड वाला, और डिवाइड को समझने से पहले एक बार मल्टीप्लाई समझ लेते हैं। डिवाइड को समझने के लिए इसलिए बोला गया कि डिवाइड को सॉल्व करने का कोई अपना तरीका नहीं होता, इसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करते हैं डिवाइड को तब बना। पहले मल्टीप्लाई देख लेते हैं, फ्रैक्शन में है दिख रहा है, सिंपल करिए 4 × 12 = 13 × 5/13 × 4/5, जो कट रहा है काट लेंगे, चाहे तिरछे कटे चाहे ऊपर नीचे कटे, जो कट रहा है काट लेंगे 13 से 13, यहाँ तो पूरा कट गया, आंसर आ गया कितना, देखिए
माइनस या प्लस में जब पूरा पूरा कटता है तब आंसर जीरो आता है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में जब वैल्यू पूरी पूरी कटती है तो आंसर हमेशा वन। हमने बात किया कि डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो पहले जो सिंपल में है सिंपल में ही लिख लिया, अगर मिक्स में रहता तो सिंपल में कन्वर्ट करते। यहाँ जो आपको सीखना है वो ये कि इस डिवाइड को हम बदल देंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड बदल गया किसमें मल्टीप्लाई में। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलेगा तो इसके बाद जो लिखा रहेगा पहले वाली वैल्यू नहीं, इसके बाद वाली वैल्यू नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, यानी 5 चला गया ऊपर और 13 आ गया नीचे, वैल्यू पलट जाती है। फिर से एक बार, अगर डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे की वैल्यू ऊपर, ऊपर की वैल्यू नीचे, चाहे आप रेसिप्रोकल कह लो चाहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कह लो, कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए कि डिवाइड के साइन लगने के बाद की वैल्यू पलट जाती है नीचे ऊपर। यहाँ भी डिवाइड लगा है तो ये भी बदला मल्टीप्लाई में, इसके बाद की भी वैल्यू पलट जाएगी, 13 ऊपर और 4 नीचे। अगर इसको हमने काटा आपको मल्टीप्लाई वाला मेथड लगेगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये तो है बेसिक। अब इस पर प्रैक्टिस के लिए